डीसी के साथ काफी लोग काफी चीजें करना चाहते हैं, एक्चुअली थे, चाहते थे, पर ये बहुत बड़ा डामाडोल है। अगर किसी की सुपर मसी थी सुपर हीरो इंडस्ट्री में तो डीसी की थी। मार्वल का पद प्रदर्शन हुआ है रूसो ब्रदर्स और केविन फीजी के हाथों। इन लोगों ने मार्वल को अलग ही ऊंचाइयों में भेज दिया, जहां तक किसी भी और फ्रेंचाइजी को पहुंचने के लिए और 10 साल लग जाएंगे। मार्वल ने बहुत ही अच्छी सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाई और इसे आज का नया नॉर्म बना दिया फिल्म स्टूडियोज और प्रोड्यूसर्स के लिए। अब ये सभी चाहते हैं अपनी खुद की एक सिनेमैटिक यूनिवर्स। सभी मार्वल के सक्सेस को पुनः दोहराना चाहते हैं, वो भी एमसीयू की तरह सफल होना चाहते हैं। लेकिन जहां इतनी बड़ी फ्रेंचाइज पास हुई है, साथ ही साथ हमें एक बहुत बड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स फेल होते भी दिखी है, हमारी प्यारी सबकी दुलारी डीसीयू। और इसके फेल होने के पीछे का कारण ठहराया जा रहा है इसके लीडरशिप को, डीसीयू के पीछे के लीडरशिप को। लेकिन उनका ये लीडर है कौन? ज़ैक स्नाइडर को कभी भी अपनी स्नाइडरवर्स पूरी करने का मौका पूछा ही नहीं गया। सच्चाई ये है कि अगर डीसी के फेल होने का कोई कारण है तो वो है वार्नर ब्रूस, और ये वार्नर ब्रूस की एक बहुत पुरानी आदत रही है। स्नाइडर शायद वो आखिरी रहे होंगे जिनके इरादों पे वार्नर ब्रूस ने मिट्टी फेंक दी। ऐसे कई सारे लोग हुए हैं जो डीसी के साथ बहुत कुछ करना चाहते थे। डीसी अपने सोर्स मटेरियल में काफी ही ज्यादा रिच है, लेकिन इस सोर्स मटेरियल को सही से एग्जीक्यूट करने वार्नर ब्रूस ने कभी दिया ही नहीं। तो चलिए आज हम आपको ले चलते हैं इस बहुत ही बड़ी डामाडोल इतिहास के सैर पे, जो कि शुरू होती है बहुत सालों पहले। टिम बर्टन बैटमैन और बैटमैन रिटर्न जैसे बड़ी सुपरहिट फिल्म देने के बाद इस यूनिवर्स को बढ़ाना चाहते थे और एक कैटवुमैन की स्पिन ऑफ मूवी भी बनाना चाहते थे। लेकिन वार्नर ब्रूस ने बर्टन की बैटमैन कट न्यूज, जो कि बैटमैन की सीरीज में तीसरी फिल्म होती, उसे कैंसिल कर दिया, क्योंकि लोगों का मानना था कि ये मेनस्ट्रीम सिनेमा में काफी ज्यादा खून खराबा और सेक्सुअलिटी को दिखाता है। टिम बर्टन का विजन हमेशा से ही हटके रहा है। उन्होंने जो डार्कनेस ऐड किया बैटमैन की फिल्म में, उसकी वजह से ही बैटमैन वो है जो वो आज हमें दिखता है, नहीं तो वो कुछ ऐसा होता। What has yellow skin and writes? A ballpoint banana. Right. What weighs 6 ounces sits in a tree and is very dangerous. A sparrow with a machine gun. Yes, of course. टिम बर्टन का कबाड़ा करने के बाद वार्नर ब्रोस ने बैटमैन की फ्रेंचाइजी को एक मजाक बना के रख दिया, बैटमैन फॉरएवर और बैटमैन एंड रॉबिन जैसे फिल्मों को देखकर, जिन्हें की आज की डेट में भी पूरी सिनेमैटिक हिस्ट्री की सबसे खराब फिल्मों में गिना जाता है। इसके आगे स्ट्रेट स्किप करें अगर हम 2008 में, तो एक बहुत ही अलग हटके सुपर हीरो फिल्म जस्टिस लीग मॉर्टल नाम की फिल्म पे काम चालू था डीसी स्टूडियोज में, जिसका की रिलीज डेट भी तय हो चुका था। ये 2009 की गर्मियों में आने वाली थी और इस फिल्म को जॉर्ज मिलर के निर्देशन में बनाया जाने वाला था। इस फिल्म की फाइनल ड्राफ्ट, कास्टिंग, फर्स्ट लुक सब रेडी हो चुका था और फिर वार्नर ब्रोस ने इसे कैंसिल कर दिया। इस टाइम में क्रिस्टोफर नोलान की बैटमैन बिगिंस रिलीज हो चुकी थी और उसने काफी अच्छा बिजनेस दिया था, और आगे की द डार्क नाइट ने बॉक्स ऑफिस में कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये फिल्म क्रिटिकली भी काफी पसंद की गई और ऑडियंस का रिसेप्शन और भी और मांगे जा रहा था। उस टाइम वार्नर ब्रोस ने कहा कि जॉर्ज मिलर के दूसरे बैटमैन की वजह से ऑडियंस के बीच में कंफ्यूजन हो सकता है। वो नोलान की डार्क नाइट ट्रिलॉजी से खुश थे और उसे ही आगे बढ़ाना चाहते थे। मिलर ने बहुत ही मेहनत से जिस डीसी की एपिक को संजोगने में इतना टाइम और इतनी मेहनत लगाई थी, उस पे वार्नर ब्रूस ने कैंसिल का स्टिकर मार दिया और पूरी फिल्म को पानी में बहा दिया। अगर ये उस टाइम बनाई गई होती तो ये डीसी की एवेंजर्स लेवल मूवी होती, और वो भी एवेंजर्स के आने से 3 साल पहले। ये रेस में काफी आगे हो सकते थे, लेकिन जहां पर मिलर को चांस नहीं मिल पाया, वहीं पे स्नाइडर का पासा आगे बढ़ गया। 2009 में ही स्नाइडर की वॉचमैन मूवी रिलीज हुई, जो कि बॉक्स ऑफिस में एक सक्सेस साबित नहीं हो पाई, लेकिन ऑडियंस के बीच में ये एक कल्ट क्लासिक बन गई। पर्दों से हटने के बाद से ये काफी ज्यादा सराहा जाने लगी। ये अपने टाइम से एक काफी आगे की फिल्म थी और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि फिल्म बॉक्स ऑफिस में क्यों नहीं चल पाई। लेकिन बस इसके बाद में पॉपुलर हो जाना ही काफी था वार्नर ब्रूस के लिए, ताकि वो स्नाइडर को फिर से हायर कर सके। 2012 में द डार्क नाइट राइजेस के साथ नोलान की ट्रिलॉजी खत्म हो गई, और एमसीयू की बढ़ती हुई सफलता को देखते हुए वार्नर ब्रूस को जल्दी ही अपनी सुपर हीरो फिल्म की गाड़ी चलाए रखनी थी। स्नाइडर फिर से हायर हुए और ये अपने 3 फिल्मों के प्लान के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, जिसमें कि पहली मूवी मैन ऑफ स्टील होती, फिर बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, और फिर जस्टिस लीग के साथ वो उन्हें उनकी सिनेमैटिक यूनिवर्स सेट करके दे देते, और वहां शुरू हुई दिक्कतें एक बार फिर से। वार्नर ब्रोस स्नाइडर के काम में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस डाल रहे थे। स्नाइडर एक काफी बड़े विजनरी हैं और वार्नर ब्रोस की टिपिकल हॉलीवुड वाले माइंडसेट की वजह से ज़ैक स्नाइडर की ट्रिलॉजी को काफी बुरा असर पड़ रहा था। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में काफी सारी कमियां थी, लेकिन उसके एक्सटेंडेड कट में वो कमियां नहीं थी। स्नाइडर जो बनाते हैं वो स्नाइडर ही बना सकते हैं। इनके सबसे हिट फिल्म 300 को भी जब एक्सटेंड करके इसका सीक्वल बनाने की कोशिश की गई थी, तो वो काफी बड़ी फेलियर साबित हुई,
और इसके आगे स्नाइडर के विजन को और भी ज्यादा तड़का लगा जब उन्हें फैमिली लॉस के कारण जस्टिस लीग को आधे में छोड़ के जाना पड़ा। और फिर जस्टिस लीग के साथ वो हुआ जो टिम बर्टन के बैटमैन के साथ हुआ था। एक बहुत ही ज्यादा खराब मूवी मिली हमें जॉस वीडन से, जिनका डायरेक्शन और विजन स्नाइडर के बिल्कुल ऑपोजिट ही लगता है। जस्टिस लीग को एवेंजर्स बना दिया और जस्टिस लीग अपनी अस्तित्व को ही खो बैठा। मूवी ने बॉक्स ऑफिस में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया और स्नाइडर की स्नाइडरवर्स का कबाड़ा हो गया। कुछ सालों बाद हमें स्नाइडर का असली विजन देखने मिला जस्टिस लीग के स्नाइडर कट में। अगर किसी तरह से 2017 में स्नाइडर कट रिलीज हुई होती थिएटर में तो शायद ही डीसी की इस डामाडोल हिस्ट्री पे कोई चर्चा कर रहा होता, सब स्मूथली चलता। शायद आज की तारीख में जस्टिस लीग 2 का टीजर भी देखने मिलता। और जहां मार्वल फेज 4 में स्ट्रगल करते हुए नीचे गिर रहा है, डीसी उससे कई आगे निकल जाता, पर ऐसा नहीं हुआ। जस्टिस लीग के फ्लॉप होने के बाद कोविड की वजह से वंडर वुमन 2 भी पिट गई और ना ही उसे ऑडियंस ने पसंद किया। फ्लैश मूवी के एज़रा मिलर ने इतने सारे कांड किए और डायरेक्टर्स इतनी बारी बदले गए हैं कि वो मूवी भी आज तक रिलीज ही नहीं हो पाई। DCU पूरी तरह से उलझ गया। और इस बीच मैट रीव्स की बैटमैन आ गई, जिसने की डीसी फैंस के अंदर एक बार फिर से जान ही फूंक दी। ये एक नया बैटमैन था और इसने बॉक्स ऑफिस में भी काफी अच्छी कमाई की। फिर मैट रीव्स ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स पे चर्चा की। स्नाइडरवर्स को कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं, इस पे कोई खबरें नहीं थी, लेकिन मैट रीव्स की नई यूनिवर्स भी काफी डार्क और एंगेजिंग लग रही थी। लगा कि फाइनली डीसी को कोई सही डायरेक्शन में लेके जाएगा। और मैट रीव्स का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा था और वार्नर ब्रूस बिक गई। वार्नर ब्रूस काफी लॉस फेस कर रही थी और डिस्कवरी ने इसे खरीद लिया। नए CEO आए, नए प्लान्स बने। उन्होंने डीसी के कई सारे आने वाले प्रोजेक्ट्स को ट्रैश कर दिया। बैटगर्ल जो कि बन चुकी थी उसे कैंसिल कर दिया। सीधा $70 million फूंक दिए और लगा था कि बस चलो इतना चेंज सही है, अच्छे नेतृत्व में डीसी आगे जाएगा। डीसी को तलाश थी किसी की जो इन्हें सही डायरेक्शन में लीड कर सके और डीसी की नई लीडरशिप अनाउंस कर दी गई। और ये सभी चीजें काफी तेज तेज हुई। उस बीच ब्लैक एडम रिलीज हो चुका था और ये इतनी बड़ी एंटिसिपेटेड और मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक होने के बावजूद फेल हो गई अपनी सिंपल और काफी सारे प्लॉट होल वाली स्टोरी के चलते। डीसी की नई अनाउंसमेंट के हिसाब से जेम्स गन और पीटर सफरान डीसी को आगे लीड करने वाले थे। लगा कि जेम्स गन आए हैं तो स्नाइडरवर्स रिस्टोर करेंगे, अच्छी फिल्मों को आगे बढ़ाएंगे। इन्होंने शुरुआत में कहा भी ऐसा ही था कि अच्छी फिल्मों को कंटिन्यू करेंगे और बुरी को हटा ही देंगे, लेकिन इन्होंने सब ही चीजों को डिलीट कर दिया। पहले वंडर वुमन 3 की खबरें आई, फिर सुपरमैन सुर्खियों में आ गया और फिर रिसेंटली ब्लैक एडम को भी। ड्वेन जॉनसन ने अपनी फ्रेंचाइज को बचाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन रॉक भैया के मूवी में वो दम ही नहीं थी कि कोई इन्हें ब्लैक एडम को लेकर सपोर्ट करता। ये आगे हॉकमैन और ब्लैक एडम वर्सेस सुपरमैन जैसी मूवीज लेके आना चाहते थे। अब आगे क्या करेंगे पीटर सफरान और जेम्स गन मालूम नहीं, लेकिन डीसी ने जो कहानियां सुनाई है उनका तो पता नहीं, लेकिन उनकी खुद की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। डीसी पे वीडियो बनाना सही में सरदर्द है, इसलिए प्लीज चैनल में आए तो सब्सक्राइब करके जाएं। और ज्यादा अपडेट के लिए आप हमें इंस्टा में चेकआउट भी कर सकते हैं। और मिलते हैं आपको इस तरह के एक और बेहतरीन एपिसोड में।